जब सुबह ट्रेडिंग सेशन खुला था तब ऐसा लग रहा था कि आज फिर से कल की स्टोरी जो है वो दोहराई जाएगी, क्योंकि प्रेशर जो बना था वो पूरी तरह से बैंक से बनता दिखाई दिया था। बैंक निफ्टी जो है उसमें आज सुबह सुबह प्रेशर बना था, उसी के चलते निफ्टी देखे 9100 के लेवल 116 इंटरक आज का जो लो था उस लेवल तक खिसलते हुए नजर आया था, लेकिन वहां से फिर से एक बाउंस बैक और देखिए 9350 तक जाता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 250 पॉइंट की रेंज है हाई और लो के बीच में, जिसके बीच में आज निफ्टी जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आया था। तो काफी वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन था, लेकिन एक बार अच्छी जो क्लोजिंग हुई है वो हरे निशान में हुई है और 9272 के आसपास एक क्लोजिंग जो है वो होते हुए नजर आई है। और याद रखिए मैं आपको एक लेवल हमेशा बोलते रहता था 9260-65, ये वो लेवल है जिसको हमको नीचे की साइड ब्रेक नहीं करना है। अगर कहीं ना कहीं हमें अपना मोमेंटम बना के रखना है तो उसी लेवल के आसपास देखे आज क्लोजिंग होते हुए नजर आई है। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं मैं दोस्तों अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। मान के कर रहा हूँ कि शायद हम अभी भी सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार फंडामेंटल कुछ नहीं बदला है, जो भी है टेक्निकल है, तो इसी टेक्निकल लेवल पे अब हम वापस ट्रेड कर रहे हैं। तो 9270 ये अच्छी क्लोजिंग है, गुड, ठीक है, अच्छी क्लोजिंग है, क्योंकि कल जिस तरह से गिरावट देखने मिलती उसके बाद एटलीस्ट ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको हम होल्ड कर रहे हैं और जिसने कल गिराया था उसी ने ज़्यादा सपोर्ट दिया है। बैंक निफ्टी और NBFC, बैंक निफ्टी को देखिए करीब 2.25% के आसपास की रेंज है वो बैंक निफ्टी में आज देखने मिले, और आप बाकी NBFC काउंटर्स देखिए करीब 2.5% के आसपास की गेंज हुए वहाँ भी देखिए। और बैंक निफ्टी में भी खासकर जो प्राइवेट बैंक है उनमें आज जम की खरीदारी देखने मिली, भले वो HDFC हो, भले वो ICICI हो, मिड कैश में भले वो RBL हो, बंधन बैंक हो, ये स्टॉक जो है वो काफ़ी हद तक चलते हुए नजर आए। क्या कुछ फंडामेंटल बदला है? मुझे नहीं लग रहा कि फंडामेंटली ऐसा कोई बड़ा हो गया है एक दिन में जो इस तरह की तेजी देखने मिले। हालांकि कल बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की रिपोर्ट जिसका ज़्यादा इंपैक्ट जो है आपको देखने मिला था इन काउंटर्स पे, हो सकता है कि उस इंपैक्ट को लोग भूल चुके हैं उसके चलते आज तेजी देखने मिली है, या फिर ये हो सकता है कि शायद हो सकता है कोई बड़ी खबर आने वाली हो, यू नेवर नो, कि आजकल तो पैकेजेस का सिलसिला जो है वो लगातार चल ही रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये तो मुझे पता नहीं लेकिन हाँ एक बात है कि तेजी जो है वो बैंक और NBFCs में पूरी तेजी का जो आज के फ्रंट लीडर्स थे तेजी के वो यही काउंटर्स थे और इन्हीं के बदलते आज बाजार में तेजी दिखाई है। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इसको नजर में रखिए। फिर से एक बार कल अगर नीचे खुलते हैं तो 9200 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा, उसके बाद फिर से 9150 और फिर 9100, यानी कि 50-50 पॉइंट की रेंज पे आपके पास कहीं ना कहीं अब जो सपोर्ट है वो है, और रेजिस्टेंस जो है वो 9300-350 और फिर 450 तक आपको मार्केट देखने मिल सकता है, तो इसी रेंज के बीच में मार्केट ट्रेड करता दिखाई देगा। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हो। सोनी धर्म पूछे हैं दीपक नाइट्रेट पे व्यू देखिए। दीपक नाइट्रेट काउंटर जो है मुझे फंडामेंटली काउंटर काफ़ी अच्छा लगता है, और इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया पहले इंपोर्ट करता था और इन्होंने उस प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू की है, फंडामेंटली अच्छा है। देखिए इसके पहले भी 450 के आसपास मुझे किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने कहा था कि खरीद लीजिए, 524 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, अभी भी खरीदारी के अच्छे मौके, 550 के इमीडिएट टारगेट के लिए आप ले सकते हैं इसको, 500 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, ये ट्रेडिंग बैट होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप रखना चाहते हैं तो आप इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। काउंटर अच्छा है, आपको अच्छे पैसे जो है इसमें बनते दिखाई देंगे। SBI कार्ड को क्या हो गया? जितेंद्र गुजर पूछे हैं, देखिए SBI कार्ड को क्या हो गया ये तो कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन याद रखिए इस कंपनी के अगले कुछ दिनों में नतीजे आने वाले हैं, तो नतीजे से पहले आप वैसे भी ऐसे काउंटर में थोड़ा समझ के ट्रेड लेना चाहिए, एकदम से पैसा नहीं लगाना चाहिए। वैसे भी 567 पे मुझे याद है 505 के आसपास भी ट्रेड किया करता था, तब हमने लेने की सलाह दी थी। 567 पे लॉन्ग टर्म के लिए बेट अभी भी काफ़ी अच्छा है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं इस काउंटर में अगर आप लेना चाहें तो, लेकिन हाँ बात वही है कि रिजल्ट आने की तब ज़्यादा बेटर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी, तब तक चाहिए तो आप थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, ज़्यादा पैसा मत लगाइए। HUL हरेंद्र सिंह हरी, HUL शुड ऑन ईच 50 डिप, शुड आई बाय? बाय होगा मेरे ख्याल से, ये तो 2050 के लेवल के आसपास आज ही काउंटर ट्रेड कर रहा है।
मेरे ख्याल से इस काउंटर में कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए आप इस काउंटर से दूर रहे। 2,500 के लेवल से आसपास से काउंटर जो है नीचे आया है, नीचे कितना जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा और 200 पॉइंट जाएगा। चलिए मान लीजिए हालत ख़राब हुए तो और 200 पॉइंट नीचे जाएगा। ऊपर कितना जाएगा? कम से कम 500-600 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो याद रखिए, रिस्क रिवॉर्ड जो है इन लेवल पे इस काउंटर का काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके लिए मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर को इस लेवल पे लेना चाहिए। संदीप डे लार्सन पे पूछते हैं कि LNT, देखिए LNT मैंने आपसे हमेशा कहा ये एक लो बीटा स्टॉक है और ये वो आती है जो आराम से चलता है। फिलहाल ये काउंटर 850-850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इमीडिएट टारगेट 950 के आसपास के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। लंबी अवधि का आपका नजरिया है तो आप ले सकते हैं इसको, लेकिन हाँ पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। इतनी जल्दी इस काउंटर में रिजल्ट जो है वो नहीं मिलते हैं। इसके लिए ये वो हाई बीटा काउंटर नहीं जो आज खरीदा कर आपको दे देगा रिटर्न। इसमें आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको शायद रिटर्न ज़्यादा कमाते हुए आपको या फिर रिटर्न ज़्यादा मिले। इमीडिएट टारगेट जो है 950 के आसपास काउंटर में है। NBCC प्रकाश सिंह पूछ रहे हैं NBCC में क्या करना चाहिए। देखिए NBCC मेरे ख्याल से अभी किस लेवल पे आ गया, मुझे याद है 40 के लेवल पे मैं लोगों को कह रहा था कि इसको मत लिया कीजिए, अब तो 18-19 के लेवल पे आ गया। वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, फंडामेंटल्स ठीक ठाक है। अगर आप बहुत लंबे समय तक रुकेंगे तो शायद यहाँ से दुगना तिगना भी हो जाए, बट उसको समय कितना लगेगा पता नहीं, क्योंकि ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है और इस कंपनी के जो मार्जिन है वो भी फिक्स रहते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखिए तो एक कंपनी जो है काफ़ी लुक्रेटिव है, लेकिन लेकिन सरकारी कंपनी है और अब इन इश्यूज के बाद कितनी और प्रॉब्लम्स आएगी ये पता नहीं। लेना अगर आपको है ये काउंटर, अगर लेना चाहते हैं तो वैसे लेने की सलाह नहीं होगी, बहुत कम क्वांटिटी में लेना, थोड़ा बहुत लेके और फिर भूल जाइए। फिर ये मत देखना कि 15 रुपये का 10 रुपये हो गया, क्योंकि वो भी हो सकता है काउंटर में, ये बोल सकता हूँ आपको, और 18 रुपये का 36 रुपये भी हो सकता है। ये उस तरह का काउंटर है। महेंद्र जैन पूछे फाइजर में आज नीचे आने का काम क्या। देखिए फाइजर में मेरे ख्याल से आज डिविडेंड का एक्स डेट था तो उसका एडजस्टमेंट था, इसके लिए काउंटर नीचे आया है। इसके अलावा कोई काउंटर देखिए वैसे भी 2.5% ऊपर बन गया मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट के बाद, तो एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट आपको देखने मिला। देखिए स्पेशल डिविडेंड जो 320 रुपये का इस काउंटर ने दिया है उसका जो एडजस्टमेंट था वो इस काउंटर में देखने मिला है। इसके लिए इस काउंटर में आपको इस तरह की गिरावट जो आप कह रहे हैं वो एडजस्टेड गिरावट है, नहीं तो ये काउंटर जो है आज 1.5% ऊपर है। इसके लिए मेरे ख्याल से इस काउंटर में गिरावट थी, ये काउंटर अच्छा है, पोर्टफोलियो में रखने लायक है। वेदांता पे पूछा जा रहा है सवाल अभिषेक अस्टोरकर पूछे वेदांता पे। देखिए आज कुछ रिपोर्ट्स आई थी वेदांता और हिंदुस्तान जिन पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी JP Morgan की, जो कि एक ही ग्रुप की दो कंपनीज पे अलग अलग व्यूज दे रहा था। वेदांता पे वो कहता है कि हम प्राइस टारगेट काट रहे हैं, इसको हम डाउनग्रेड कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक पे वो कह रहे थे कि हम इस काउंटर को आगे अपना प्राइस टारगेट बढ़ा रहे हैं और इस काउंटर पे अपना जो लक्ष्य भी बढ़ा रहे हैं, अपनी रेटिंग भी बढ़ा रहे हैं। ये एक चीज साफ दिखाता है कि एक ही ग्रुप की दो कंपनीज पे किस तरह का डाइवर्जेंट व्यूज है वो लोगों के हैं। इस वजह से मेरे को लगता है अगर आप वेदांता पे लेना चाहते हैं तो वेदांता की ले रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक लीजिए, कम से कम कोई ब्रोकर है। ये तो कह रही है कि इन स्टॉक में आपको अच्छी खासी तेजी आगे चल के देखने मिल सकती है और अपना पैसा जो है उन्होंने बढ़ाया है, तो उस वजह से अगर आपको लेना है तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक जो है वो बेटर वर्ट होगा किसी वेदांता से, तो वो ले लीजिए। अश्विनी कुमार यादव बर्जर पेंट पे व्यू, देखिए पेंट कंपनी से दिक्कत देखिए आज क्या हुआ, आज कंसाई के रिजल्ट आए। अब माना जा रहा था कि कंसाई के मार्जिन में 1% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंसाई के मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहे और जो छोटी मोटी बढ़ोतरी भी हुई है वो उतनी नहीं है कि जिसको मैं बढ़ोतरी कह सकूँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको ये एक संकेत दे रहा है कि आगे चल के एटलीस्ट इस क्वार्टर में जो पेंट कंपनीज हैं उनके मार्जिन में जितना सोचा था उतनी बढ़त शायद नहीं देखने आपको मिलेगी, तो इसी का इम्पैक्ट आपको देखने मिला। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ जब ये बर्जर और कंसाइन अलग जैसे कंपनी अपने रिजल्ट देती है तो उनको बाकी पेंट कंपनीज का एक ट्रेंड माना जाता है, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि बाकी पेंट कंपनी जैसे कि एशियन पेंट है इनसे पीछे रहती है, ज़्यादातर भले वो लीडर है तो लेकिन मार्जिन में इनसे पीछे रहती है। इसके लिए मैं पूछना बोल रहा हूँ कि अगर पेंट कंपनी से अगर दूर रहा जाए थोड़े दिन के लिए तो वो बेटर है, नतीजे आ जाने दीजिए। दोस्तों अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। आई होप जितनी
बढ़ोतरी शायद आपको कंसाई में नहीं देखने मिली मार्जिन में, उससे ज़्यादा बढ़ोतरी अगर वर्जन में देखने मिल जाए बेटर होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ होगा। इसके लिए कह रहा हूँ कि अब अभी पेंट कंपनी से दूर रहिए। मेरे ख्याल से इन कंपनीज में मार्जिन में इतना बढ़ोतरी नहीं होने वाली, जो होगी वो शायद आने वाले क्वार्टर में होगी। उसमें भी एशियन पेंट से कह दिया कि हम तो इसको पास ऑन करेंगे, तो अगर ये पास ऑन करने वाले हैं तो फिर क्या होगा आप सोच सकते हैं। तो मार्जिन मेरे लगता है सस्टेन नहीं करेंगे, डिमांड वैसे ही है नहीं, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो थोड़े टाइम के लिए दूर रहिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद शायद आपको फ्रेश मूव देखने मिलेगा। सिंफनी पे सुरेश कशिल सागर पूछ रहे हैं कि क्या व्यू है। देखिए सिंफनी जो है, मैं कभी कभी मल्टीबैगर कंपनी निकालता हूँ कि पिछले कुछ साल में किसने काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया, तो सिंफनी उसमें भी आता है। इस कंपनी के प्रोडक्ट भी मुझे अच्छे लगते हैं, नो डाउट। तो सब कुछ ठीक है इस कंपनी के साथ, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि जिस समय इन लोग को सबसे ज़्यादा सेल करनी थी उस समय पे हो चुका है लॉकडाउन। ऐसा लॉकडाउन अगर हुआ है तो आप प्रोडक्ट कहाँ बेचोगे? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेचोगे तो आप पूरे साल सस्टेन कैसे करोगे? सबसे मेन इंपॉर्टेंट धंधा तो इनका यही समय पे होता है, 8:38 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपको लेना है तो मैं अभी टेक्निकल चार्ट नहीं है ताकि मैं दिखा सकूँ आपको, या फिर मुझे इसके टेक्निकल लेवल याद नहीं है कि मैं किस लेवल पर बोलूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इन काउंटर से दूर रहना फिलहाल थोड़ा अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएटर हो सकते हैं ये, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी रहेंगे, ये आपको मानना होगा। और इसके लिए इन काउंटर से मेरे ख्याल से आप दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। जितेंद्र त्रिवेदी ITC पे पूछ रहे हैं। ITC मेरे ख्याल से जितेंद्र जी 160 के लेवल्स के आसपास आ चुका है, लेवल काफ़ी अच्छे इस कंपनी के, लेकिन मैं आपको हमेशा दो लेवल बोलता था, आपको याद होगा 180 और 200। 180 के आसपास से जब ये गिरता है तो अगला लेवल 150 के पास आ जाता है इस काउंटर का, उस लेवल तक ये काउंटर गिर सकता है। अगर 180 के ऊपर जाता है तो 200 के आसपास का लेवल देखने मिल सकता है। ये टेक्निकल लेवल है जिसके बीच में काउंटर आपको अगले कुछ दिनों तक ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। फंडामेंटली कोई बहुत बड़ा गलत नहीं हुआ है, हालांकि सुट्टी का स्टेक सेल जो है वो एक बहुत बड़ा हैंग ओवर है इस कंपनी के ऊपर। तो अगर सुट्टी का स्टेक सेल होता है या फिर ऐसा कुछ इशू आता है तो शायद इस काउंटर में आपको गिरावट देखने मिलेगी। अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो फंडामेंटली मुझे काउंटर अभी भी पसंद है। हालांकि कुछ लेवल्स जो मैंने आपको बताए उसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी, वो शायद आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी दिखाई देता है दे सकता है ताकि आप अपने जो ट्रेड है उसको ले सके। चलिए अब इसी नोट पे विदा लेते हैं, कल का दिन भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो वीकली एक्सपायरी का दिन है, याद रखना कल थर्सडे है। इसके अलावा काफ़ी सारे मिड कैप आईटी कंपनीज के रिजल्ट और साथ साथ दिग्गजों में एचसीएल टेक जो है वो अपने नतीजे घोषित करने वाला है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन पर आपको नजर रखनी है, नतीजों पर आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि आगे जाके हम काफ़ी हद तक नतीजों पर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। आज NIIT टेक और परसिस्टेंट को देख लीजिए कैसे नतीजों के बाद इन कॉन्ट्रैक्ट में अच्छा खासा स्पाइक देखने मिला है, तो नतीजे के ऊपर नजर रखिए। बाकी कल आपके साथ फिर इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तब तक के लिए सी यू।